नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग होने जा रहा है मेरे रूम टूर के बारे में। आज मैं आपको दिखाऊंगा हमारा रूम। हम यहाँ पिछले एक साल से रह रहे हैं, मैं और मेरे दो दोस्त और रहते हैं, जो कि एक घर पे और एक अभी आगरा गया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, आगरा द सिटी ऑफ लव, जो कि ताजमहल के नाम से काफ़ी फेमस है। चलिए दोस्तों, तो अपना रूम टूर शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको रूम। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा रूम है, आप देख सकते हैं पूरा रूम सामने से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ रूम, देख सकते हैं आप, ये रूम है। हम लोग नीचे की ओर रहते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों जहाँ पे अभी हरा पर्दा दिख रहा है, वहाँ पे हमारा मकान मालिक रहता है, और ऊपर हमारा टेरेस है। वहाँ पे एक और रूम है जहाँ पे अंकल किराए से रहते हैं, जो कि बैंक में जॉब करते हैं। और दोस्तों ये नीचे हमारा रूम, जिसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा रूम है। चलिए तो अपने रूम को दिखाता हूँ मैं आपको। जैसा कि बताया कि मेरा टूर जो है रूम का होने वाला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सभी रूम को नंबर दिए गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं मेरे आज साइड का नज़ारा। दोस्तों जहाँ मैं रहता हूँ उसके आइट साइड का नज़ारा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ सामने कोचिंग है, ये कोचिंग है पूरी, जो कि यहाँ पे लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग पढ़ने आते हैं, लाइब्रेरी भी है, कोचिंग भी, जो आपको करना कर सकते हैं। दोस्तों आ सकते घर हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी कारें खड़ी रहती हैं दोस्तों, क्योंकि साइड में हॉस्पिटल है, मंगल नर्सिंग होम, जिसके कारण यहाँ देख सकते हैं आप बहुत सारी कारें खड़ी होंगी। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, अगर आप नाइट में कभी देखेंगे तो नाइट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारें खड़ी रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और अब देखते हैं मेरे रूम टूर के बारे में। दोस्तों जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं, गेट खोलकर आप थोड़े देख सकते हैं, ये हमारा पोर्शन है जो खाली पड़ता गाड़ी के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है कार जो कि अंकल की, हमारे मकान वाले की। ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, जो कि अभी घर गया हुआ है शाइन। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा पोर्शन है पूरा, लेकिन मैं दिखाता हूँ वो मोटर अभी चालू, उसकी आवाज़ आपको आती होगी शायद। ये पूरा पोर्शन है, गेट खोल के आप अंदर आएंगे जैसे ही आपको ये दिखेगा, देख सकते हैं दोस्तों। और ये साइड में रूम है दोस्तों, ये रूम जो है वो एक डॉक्टर का है, जो कि एमडी कर रहे हैं गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से। और भी दोस्तों यहीं पर पढ़ता हूँ मैं भी, मेडिकल स्टूडेंट हूँ दोस्तों। जैसे सीढ़ी ऊपर जाने की आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये दोस्तों साइड में एक पोर्शन दिया गया है, साइड पर छोड़ा गया है ऐसे ही आने जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा रूम का। दोस्तों मैं आप देखा आपके सामने यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने के हैं ये। इसे खोलना होता है, जैसे ही खोलेंगे दोस्तों आपकी एंट्री होती है मेरे रूम में। अब मैं दोस्तों लाइट चालू कर देता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हैं लाइट चालू कर देता हूँ। दोस्तों ये सब बहुत पुराना लगा हुआ है, हमने अंकल को कहा है काफ़ी टाइम चेंज करने के लिए, उसने कोई नहीं किया नहीं है, बूढ़े से बाद में कर देंगे। आप देख सकते हैं ये है हमारा रूम। दोस्तों सामने कवर्ड है, उस पर अभी रखा हुआ है सामान पूरा, मेरी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, मैं अभी खोल के दिखाऊँगा आपको बाद में। और देख सकते हैं आप, जैसे ही आप देखेंगे हमारा बेड है दोस्तों, ये हमारा पहला बेड है जिसमें मैं सोता हूँ। ये पूरा बेड इसमें मैं ही सोता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं सोता है, इसमें हम स्टडी करते हैं। आप देख सकते हैं चेयर है दोस्तों, पहले एक चेयर थी वो टूट गई, रिपेयर होने गई है, तो अभी फ़िलहाल हम इससे काम चला रहे हैं। और ये हमारी दोस्तों बुक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे रखी हुई है पूरी। ये बैग है जो मेरे दोस्त का है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये भी एक कवर टाइप का बनाया हुआ है अंकल ने, जैसे सब तो अंकल का ही दिया हुआ है। और देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पर हमारा सामान रखा हुआ है, मेडिसिन रखी हुई है, कुछ भी सब सामान रखा हुआ है। ये हमारी घड़ी है, और ये बुक्स वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, ये टेबल हैं, और ये साइड पर छोटा मोटा है ना, जो कि हम कभी देखते नहीं है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैंने की जरूरत अक्सर लड़कियों को पड़ती है, लड़कों को ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा रूम है पूरा, ये हमारा पहला रूम है दोस्तों। ये बीच में पड़ा हुआ है एलेक्स पांडा, जो कि इमोजी है, ये मेरा ही है, इसका नाम हमने एलेक्स पांडा रखा है। और देख सकते हैं कूलर, जो कि गर्मी में बहुत काम आया था, लेकिन अभी कोई काम नहीं आ रहा, अभी रखा हुआ है। और दोस्तों हाँ, जैसे कि वाटर के लिए हमने कह लिया था, इसको पानी हम खरीदते हैं हमेशा। ये हमारे तो एक कैन देखा जाता है, 2 दिन हमारा एक कैन में 2 दिन काम चल जाता है, अभी दोस्त है नहीं तो हम लोग ही काम चला लेते हैं एक कैन में। और दोस्तों देख सकते हैं, तो ये रहा पूरा रूम दोस्तों, ये था पहला रूम जहाँ पे मैं सोता हूँ अक्सर दोपहर में, वो लोग भी लेटे रहते हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह की, रात में वो लोग इस कमरे में नहीं सोते हैं दोस्तों। ये रहा दूसरा रूम जिसमें ये दोनों सोते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ के बोर्ड बहुत काफ़ी पुराने हैं। और ये दरवाज़ा है दोस्तों पूरा, आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा है। ये सेकंड रूम है दोस्तों, इसमें मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा रूम वो है, लेकिन मैं पढ़ता यहाँ पे हूँ, क्योंकि यहाँ पर लैंप भी रखी हुई है और चेयर भी काफ़ी कंफर्टेबल है, तो यहाँ पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। और ये मेरी पूरी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, ये सारी जितनी भी रखी हुई हैं सब मेरी हैं, इसके अलावा किसी का कुछ नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा गॉगल रखा हुआ है ये, और ये मेरा है दोस्तों, ये सोनी का है नेकबैंड, जो कि 2300 का आया था, 2300 या 2400 का आया था उस समय। ये लैंप मेरा दोस्त का है, और ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक वाला मच्छर मारने का। तो दोस्तों ये थी मेरी स्टडी टेबल, और देख सकते हैं साइड पर पूरा पेन रखे हुए हैं, काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी अच्छे हैं उसमें। और देख सकते हैं तो काफ़ी रूम जैसा बोला जाए कि ठीक ठाक है, इतना अच्छा भी नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है, बस इतना है कि अब 3 लोग के लिए सफिशियंट बहुत अच्छा है दोस्तों। और ये इन लोग का बेड है,
इन दो में दोनों सो जाते हैं। दो पलंग यहाँ पर लगे हुए हैं, एक जो कि अंकल का दिया हुआ है, एक हमारा है। और यहाँ भी दोस्तों एक कूलर रखा हुआ है। ये लोग अक्सर कूलर में ही सोते हैं क्योंकि उन्हें कूलर में सोना पसंद है और मैं कूलर में नहीं सोता हूँ, इसलिए मैं दोस्तों मैं उस रूम में से अलग सोता हूँ। और ये देख सकते हैं आप चार्जिंग बोर्ड वगैरह दिए हुए हैं, ये ट्यूबलाइट लगा हुआ है, सी फाइल लगे हुए हैं, दो सी फाइल हैं दोस्तों यहाँ पे। तो सामने अलमारी आप देख लें दोस्तों, ये अलमारी भी अंकल के द्वारा दी गई है, इसमें काफ़ी अच्छा सामान डाल जाता है। और आप सामने देखते हैं वहाँ कपड़े टंगे हुए हैं, उसके साइड में लाइट बात है जो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। वैसे लाइट साफ है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है, पुराने ज़माने का है तो आप क्या करें देखते। तो सोच सकते हैं ये दोस्तों, ये दूसरा रूम है हम लोगों का। यहाँ पे देख सकते हैं आप मीटर जो बहुत पुराना लगा है दोस्तों। हाँ, अगर आप यहाँ रहते हैं तो आपको बिजली का बिल काफ़ी देना पड़ता है। हम लोग तीन लोगों का समथिंग 1000 के ऊपर ही आता है अक्सर दोस्तों, 1000 के नीचे तो कभी बिजली बिल आया ही नहीं है। तो देख सकते हैं कैलेंडर टंगा है दोस्तों, अभी आप सामने देखेंगे तो कैलेंडर देखिए 2020 का है, 2021 ख़त्म होने में आया, लेकिन हम लोगों ने अभी तक कैलेंडर लिया नहीं है, जरूरत पड़ती नहीं किसी चीज़ की कैलेंडर विलेंडर भी। और जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे भगवान से, मैं लाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये रहे हमारे भगवान, देख सकते हैं यहाँ पे आप, हनुमान जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, राम भगवान जी हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम लोग कभी कभी। और देख सकते हैं दोस्तों आप कितना प्यारा लग रहे हैं, ये दो फूल के साथ सजाया हुआ है हम लोगों ने। और ये हमारा चार्जिंग पॉइंट वगैरह है, ये चेयर है जो कि ख़राब हो चुकी है। चलिए मैं आपको साइड का भी दिखाता हूँ दोस्तों, ये साइड का पोर्शन है जो कि हमारे रूम से अटैच है, वहाँ पर देख सकते हैं आप, वहाँ धुलने के लिए जगह दी गई है। ये हमारा साइड का पोर्शन है, यहाँ पे भी सुबह सुबह है ना चेहरा देखने के लिए लगा हुआ है। आप सामने देखते हैं यहाँ से अंकल के यहाँ ऊपर जाने का भी जगह दी गई है, देख सकते हैं आप पूरा ये ऊपर तक है। और सामने लाइट बाथ है जो कि हम कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा है नहीं। और जैसा कि मैंने बताया था, ये डॉक्टर साहब रहते हैं यहाँ पर जो कि बहुत ही कम आते हैं, महीने में 4 या 5 दिन यहाँ रुकते हैं, बाकी वो अपना काम से काम रखते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सेकेंड रूम, देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों, उतना बुरा नहीं है, अच्छा रूम है, काफ़ी ठीक है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े कमरे दिए हैं, तीन लोगों के लिए बहुत सफिशेंट है, 4 लोग भी रह सकते हैं लेकिन हम लोग 3 लोग रहते हैं क्योंकि 4 लोग के आने से पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको लेके आता हूँ किचन में। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कबाड़ रखने के लिए एक्स्ट्रा उन्होंने थोड़ा स्टोर रूम का टाइप का दिया हुआ है, कि जो भी ख़राब चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर इसमें क्या क्या रखा हुआ है। देख सकते हैं ये हम लोग पानी के लिए जो कैन लेते हैं वो रखी हुई है, छोटा वाला पंखा रखा हुआ है, ये टीवी रखी हुई है दोस्तों जो कि ख़राब है, अगर हम चालू करना चाहते चालू हो सकती है लेकिन हम करते नहीं। और दोस्तों यहाँ पे इंडक्शन रखा हुआ है, इसके नीचे उसका तवा रखा हुआ है इंडक्शन का जो आता है। और ये काफ़ी सामान है दोस्तों, क्लिनिक का सामान है जो कि मेरे दोस्त ने खोला था, अभी वो बंद कर दिया उसने क्योंकि उसके एग्ज़ाम पास में आ गए हैं और वो लास्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाला है। दोस्तों ये भी पलंग रखा हुआ है लेकिन उसे लगाया नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा है और जगह भी बची नहीं थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा किचन है जो कि अभी काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि किचन साफ़ करा नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं लड़के रहते हैं तो अक्सर लड़के ज़्यादातर गंदगी में ही रहते हैं, वैसे उतना गंदा भी नहीं है, सही है, देख सकते हैं काफ़ी सफाई रखी गई है। ये भी बर्तन मांजने के हैं, ये हम लोग बर्तन नहीं मांजे हैं, ये सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है, ये गैस है दोस्तों हमारी, यहाँ पे हम रोटी बनाते हैं तो काफ़ी गंदा हो गया है रोटी बनाने वाला। और साइड में देख सकते हैं दोस्तों ये नीचे सामान रखा हुआ है क्योंकि काफ़ी साफ़ है दोस्तों, हम इसे बस हफ्ते में एक बार साफ़ करते हैं इसलिए महीने में 4 बार ही साफ़ होता है। देख सकते हैं सिलेंडर रखा हुआ है और ये बकेट रखी हुई है हम लोग कचरे मचरे फेंकने के लिए जो। तो दोस्तों ये था हमारा किचन, मैं अगर आपको इसे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप ये हमारा किचन है। तो चलिए अभी इसकी लाइटिंग करते हैं, तो चलते हैं सेकंड रूम की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये था मेरा पूरा रूम जो आपने अभी देखा, सेकंड रूम, फर्स्ट रूम, ये मेरा फर्स्ट रूम और दोस्तों सामने का भी दिखाया मैंने आपको अभी। जैसे ही खोलते हैं दोस्तों आपको काफ़ी जगह देखने को मिल जाती है, ये देखिए ये पूरा जगह है मेरे रूम की। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, मुझे कमेंट में किसी ने बोला था कि आप अपना रूम टूर बताइएगा, इसमें मैंने आपको एक रूम टूर दिखा दिया छोटा सा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा रूम है, काफ़ी कैसा लगा आप लोग को बताइएगा, अगर रूम अच्छा लगा हो तो। चलिए मैंने आपको बताया बोला था कि कबर्ड खोल के दिखाऊंगा मैं आपको इसमें क्या रखा हुआ है, देख सकते हैं आप इसमें पूरी बुक्स रखी हुई हैं, ये नीचे कम बुक्स हैं ऊपर ज़्यादा कम बुक्स हैं, लेकिन नीचे देखेंगे तो आपको नीचे काफ़ी बुक्स देखने को मिल जाएंगी, इस तरह भी दोस्तों वो बुक्स रखी हुई हैं। आपने देखा कि हमारा रूम किस टाइप का है किस टाइप का नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा रूम टूर, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा रूम। दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि इसका किराया कितना है, दोस्तों इसका किराया है 8000 रुपये, ये हमसे 8000 रुपये किराया लेते हैं इस रूम का, 2 रूम हैं,
एक किचन है, साइड में आपने जाके देखी सामने थोड़ा पोर्शन छुटा हुआ है, लाइट बात है। इतना पूरा का 8,000 रुपये लेते हैं दोस्तों, और लाइट का अलग से है दोस्तों। ये लाइट का लेते हैं 10 रुपये पर यूनिट, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। हमने उन्हें बोला भी है कि 8 रुपये ले करो, लेकिन वो 10 रुपये ही लेते हैं। फिर भी दोस्तों हमें कुल मिला के इसका 1,000 रुपये बिल तो आ ही जाता है, तो ये रूम हमें दोस्तों नज़ारे में पड़ता है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रूम कैसा लगा और क्या इसमें अच्छा था क्या बुरा था, जो भी आपके मन में हो दोस्तों शेयर कीजिएगा। दोस्तों यह था पूरा मेरा रूम टूर। चलिए मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।